और इस वक्त एक अच्छी खबर आपको बता दें, सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इस बार 87.3% छात्रों को एग्जाम में कामयाबी हासिल हुई है। इनमें लड़कियों का पासिंग परसेंटेज लड़कों के मुकाबले 6% ज्यादा है। इस बार 84.67% लड़के और 90.68% लड़कियां पास हुई हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार नतीजों में 5% की कमी है, यानी कि 5% कम छात्र पास हुए हैं। तिरुवनंतपुरम जोन से सबसे ज्यादा 99.91% छात्र पास हुए हैं, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय के 97% छात्र पास हुए हैं। लाखों छात्रों को नतीजे का बेसब्री से इंतजार था। परिणाम को सीबीएसई रिजल्ट वेबसाइट के साथ साथ उमंग ऐप और डिजी लॉकर ऐप पर देखा जा सकेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध भी कराया जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन की आवश्यकता होगी, जिसे सीबीएसई स्कूलों से के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीबीएसई के 12वीं की नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसको लेकर छात्र लगातार इंतजार कर रहे थे और जो पासिंग परसेंटेज है वो 87.33% है। मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सीबीएसई का रिजल्ट सामने आ चुका है, सबसे बड़ी संख्या में छात्र होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पास आउट होते हैं, तो ऐसे में छात्रों को भी बेसब्री से इंतजार था। आपकी बातचीत हुई किसी छात्र से? मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, 87.33% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, जिसका इंतजार छात्र लगातार कर रहे थे। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा अगर रिजल्ट को देखें तो 5% कम, यानी कि पासिंग परसेंटेज 5% कम है। लड़कों के मुकाबले 6% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। वेबसाइट पर छात्र नतीजे देख सकते हैं। बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। छात्रों को इंतजार था, क्योंकि कोविड के बाद ये जो 12th में स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 10th में एग्जाम नहीं दिया था, तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे ये बोर्ड के एग्जामिनेशन, और ऐसे में रिजल्ट किस तरीके से रहेगा इसका भी इंतजार छात्र कर रहे थे, और अब वो इंतजार खत्म हुआ। सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है और जो परसेंटेज आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जवाहर नवोदय स्कूल के 97% छात्र पास हो चुके हैं। ओवरऑल जो परसेंटेज है पासिंग का वो 87% के लगभग है। अगर छात्राओं की बात करें तो छात्रों से करीब करीब 6% ज्यादा छात्राएं पास हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां सीबीएसई का रिजल्ट सामने आ चुका है, स्टूडेंट्स को 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन की आवश्यकता होगी, स्कूलों के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया जा सकेगा। मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, रिजल्ट का छात्रों को लंबे वक्त से इंतजार था, क्या किसी छात्र से बातचीत हुई आपकी? देखिए, अभी बहुत अर्ली इंफॉर्मेशन है, अभी सिर्फ ये जानकारी मिली है कि रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं। अभी तक ठीक तरीके से ये भी मालूम नहीं हो पाया कि किस स्कूल का बच्चा टॉपर है, किस शहर का बच्चा टॉपर है। अभी बस सीबीएसई के कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, और अपडेट्स फिलहाल बड़ा ये है कि सीबीएसई रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस करने वाली है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सीबीएसई आने वाले एग्जाम्स में जो मेरिट लिस्ट है उसको नहीं निकालेगी, क्योंकि उनको लगता है कि इससे एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ता है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिविजन भी उस तरह से नहीं दी जाएगी, क्योंकि सीबीएसई को लगता है कि इससे एक ऐसा कॉम्पिटिशन तैयार होता है जिससे बच्चे बहुत प्रेशर में आते हैं। फिलहाल कुछ अपडेट्स ये हैं सीबीएसई की तरफ से, और अगले एग्जाम्स को लेकर अपडेट है कि अगले एग्जाम्स 15 फरवरी से होंगे, लेकिन फिलहाल रिजल्ट आ गया है। कौन टॉपर है, किस शहर का बच्चा है, किस स्कूल का बच्चा है, अभी ये सारी जानकारियां आनी बाकी हैं। बिल्कुल, लेकिन जो अभी तक रिजल्ट सामने आया उसके मुताबिक अगर देखें मनीष, तो पिछली बार के मुकाबले पासिंग रेट जो है वो 5% के लगभग कम है। बिल्कुल, जो पासिंग रेट है वो कम है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर आप नहीं देखेंगे। हालांकि जो लगातार सीबीएसई लगातार कोशिश करती आई है कि बच्चों में
ऐसा माहौल तैयार हो कि उनके नंबर्स अच्छे आए, उनके ऊपर प्रेशर कम हो पढ़ाई का, लेकिन वो सीखे बहुत ज्यादा। तो वो सारी कवायद चलती रहती है, हालांकि परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। खबरें ये भी आ रही हैं कि एक बार फिर से जो लड़कियों का रिजल्ट है वो बॉयज से काफी ज्यादा अच्छा आया है, लगभग 6% रिजल्ट गर्ल्स का ज्यादा आया है। हालांकि टॉपर कौन है, बाकी चीजें क्या है, इन सब चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 91.25% पिछली बार जो लड़के थे वो पास हुए थे, इस बार 84.67 जो लड़के हैं जिनका परसेंटेज है वो पास हो गए हैं। हालांकि जो लड़कियां हैं उन्होंने लास्ट ईयर 94% जो उनका औसत था वो था रिजल्ट का, इस बार 90.68 लड़कियां हैं वो पास हुई हैं। मतलब लड़के इस बार भी कहीं ना कहीं पीछे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि टॉपर कौन होगा इस बात का इंतजार हर किसी को है। बिल्कुल मनीष, एक आपने महत्वपूर्ण बात बताई थी जब मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो वो जरा उस बात को आप दोहरा दें। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उनके बारे में सिर्फ पता चलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर आता है जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं, वो बात जरा दोहराएं, महत्वपूर्ण बात है वो। देखिए ये भी खास अपडेट आया सीबीएसई की तरफ से, दो बातें हैं। पहला ये कि 2024 के जो एग्जाम होने सीबीएसई के वो 15 फरवरी से होंगे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस एग्जाम के जो रिजल्ट होंगे उसमें सीबीएसई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी। मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह की वो चीजें अपनी लिस्ट में जारी नहीं करेंगी, क्योंकि इससे उनको लगता है कि एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट तैयार होता है, बच्चों में कॉम्पिटिशन की जो भावना है वो एक अनहेल्दी होती है, क्योंकि बच्चे सिर्फ मार्क्स के बारे में सोचते हैं, ज्यादा सीखने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो सीबीएसई अगले एग्जाम से करने वाला है। हालांकि आज सबकी नजर रिजल्ट पर है, ये बात क्लियर है कि लड़कियों ने बाजी मारी है, लेकिन टॉपर कौन, कहाँ का, किस स्कूल का, अभी ये सब जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है। नहीं मनीष, एक कंफ्यूजन है मुझे, क्या इसी बार से ये लिस्ट मेरिट लिस्ट नहीं आएगी या ये अगली बार के लिए है? देखिए अभी तक जो बात सामने आई है उसमें यही कहा गया है कि अगली बार से जो एग्जाम होने हैं उसमें जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं आनी है, डिविजन को सीबीएसई हटाने के बारे में सोच रहा जी। ठीक है मनीष, लेकिन छात्रों का इंतजार बड़ा लंबा था, इससे पहले हमने देखा यूपी बोर्ड के रिजल्ट पहले ही आ चुके हैं, इसके अलावा अलग अलग छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है। ऐसे में अगर कंपेयर करें तो सीबीएसई का रिजल्ट जो कि हर बार पहले आता था, इस बार थोड़ी देरी हुई है, और मार्क्स में भी देखें तो पहले के मुकाबले पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आगे वैल्यूएट किया जाएगा। सीबीएसई को भी इस बारे में सोचना होगा कि आखिर उनका रिजल्ट बाकी बोर्ड से इतना लेट क्यों हुआ है, और इन सारी चीजों पर काम जरूर सीबीएसई कर रही होगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर बार रिजल्ट के बाद सामने आती हैं, जो फिर आगे से उनके एजेंडा में फिट हो जाती है, उनकी मीटिंग से पॉइंट्स होते हैं। और ये जो बातें हैं कि डिविजन को हम नहीं निकालेंगे, ये भी उनकी एक, अब जो पिछले रिजल्ट रहे हैं उनको देखते हुए, उनको सोचते हुए ये डिसीजन लिया गया है। आगे क्या करना है, रिजल्ट क्यों लेट आया है, क्यों परसेंटेज कम हुआ है, सीबीएसई जरूर इन सब बातों पे विचार करेगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कई सालों में सीबीएसई ने बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, वो अच्छे माहौल में पढ़ाई करें, उनके ऊपर प्रेशर कम हो, इसके लिए बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं और बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद बच्चों के पासिंग परसेंटेज कम आते हैं या मार्क्स कम आते हैं, तो जरूर सीबीएसई के लिए सोचने वाली बात होगी कि आखिर क्या उन्होंने जो प्रैक्टिसेस अपनाई थी पहले बच्चों के मार्क्स बेहतर करने के लिए, वो प्रैक्टिसेस फेल हो रही हैं या फिर उन्हें कुछ नया करने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी है, सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, जिन छात्रों ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर देखें, क्योंकि इंतजार बड़ा लंबा था और इंतजार खत्म हुआ।